हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी प्रियंका त्यागी, इकोनॉमिक्स टीचर. वेलकम बैक टू ऑल इन प्रियंका त्यागी ट्यूटोरियल. सो लास्टली इन चैप्टर 4 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीड अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट इज, इट इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. Then we discuss about three types of elasticity of demand, that were price elasticity, income elasticity and cross elasticity. Then we talked about the factor affecting price elasticity of demand, that were availability of close substitute, income of consumer, luxuries versus necessities, proportion of total expenditure spent on the product, number of uses of the commodity and time period. So that all we studied lastly. Now today we will discuss about degree of elasticity of demand. So let's start. So elasticity को measure करने के लिए 5 degrees है हमारे पास. So पहली है जो, that is perfectly inelastic demand. So perfectly inelastic demand के केस में जो आपका ED यानी कि elasticity of demand है उसकी value हमेशा 0 होती है. This occurs when to a percentage change in price, there is no change in quantity demanded. तो ED equals to 0 या perfectly inelastic demand कब होगी? जब आपके price में change आने के कारण quantity demanded में किसी भी तरह का change नहीं आ रहा है. यानी कि price बदल रहा है but demand में कोई भी change नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं perfectly inelastic demand. ED यहाँ पे होगा 0. अभी किस तरह के गुड्स के साथ होता है कि प्राइस अगर चेंज भी हो जाए तो हम उसकी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते? तो ये होता है आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स के केस में. यानी कि जो भी आप दवाइयां ले रहे हो तो उनके केस में ये सिचुएशन होती है, क्योंकि हम दवाइयों की यूज़ को डिले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें ठीक होना है तो हमें उनका कंजप्शन करना ही पड़ेगा, चाहे उनकी कॉस्ट कितनी भी ऊपर जाए. और दूसरी बात कि अगर इनके दाम कम होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इनका कंजप्शन बढ़ा दो. कंजप्शन आप तब भी उतना ही करोगे जितना आप पहले करते थे, या जितनी लोगों को ज़रूरत है उतना ही कंजप्शन किया जाएगा. सो इट मींस कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के केस में क्या होता है कि आपका जो डिमांड कर्व है वो कांस्टेंट रहेगा. जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है एकदम वर्टिकल है, कांस्टेंट हमारी वहाँ पे डिमांड है, बल्कि जो प्राइस है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कभी वो कम हो जा रहा है और कभी वो बढ़ जा रहा है. सो ये था हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. दूसरा हम देखेंगे इनइलास्टिक डिमांड. तो दिस अकर्स व्हेन टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस देयर इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. सो इनइलास्टिक डिमांड क्या है कि जब आपके डिमांड के कंपैरिजन में प्राइस में ज़्यादा चेंज है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस में ज़्यादा और डिमांड में अगर हमारी कम चेंज है उसके प्रोपोर्शन में, तो इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड. यानी कि प्राइस तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है प्राइस में, पर डिमांड में थोड़ा सा ही फ़र्क आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं आपकी इनइलास्टिक डिमांड. और इस केस में जो आपकी ED यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू है, ये होती है आपकी 1 से लेस. यानी कि 1 से कम आपकी ये वैल्यू रहेगी, 0 और 1 के बिटवीन में ये वैल्यू रहती है. टाइप ऑफ गुड, किस तरह के गुड इसमें आते हैं, तो इसमें आपके नेसेसिटीज़ गुड आ जाएंगे, जो आपके बहुत ज़रूरी गुड्स हैं वो इसमें आ जाते हैं. तो इस केस में जो आपका डिमांड कर्व है वो स्टीपर जाएगा. जैसे कि हम देख सकते हैं प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है, पी से पी वन फॉलो गया प्राइस, पर डिमांड में क्या आ रहा है, क्यू से क्यू वन थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है. तो स्टीपर इस केस में डिमांड कर्व आपका हो जाएगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, दिस अकर्स व्हेन टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस देयर इज इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जब आपके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में बराबर का चेंज है, इक्वल चेंज है, तो तब क्या है, उस केस में जो आपका इलास्टिसिटी कहलाती है वो होती है आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. और इस केस में आपकी जो ईडी की वैल्यू आएगी वो आती है यूजुअली 1. नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा होता है कि जो भी आपके नॉर्मल गुड्स हैं उनके केस में ये होगा कि हाँ, जितना प्राइस में चेंज आया तो क्वांटिटी में भी उतना
चेंज आएगा। और जो डिमांड करवाएगा आपका इस केस में, वो दोनों ही एक्सिस से आपका 45 डिग्री के एंगल को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है हमारा इलास्टिक डिमांड। सो इलास्टिक डिमांड क्या है उसे समझते हैं अब। दिस अकर्स व्हेन टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस देयर इज ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इलास्टिक डिमांड हम कब करेंगे, जब आपके जो परसेंटेज चेंज है प्राइस में वो कम है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज़्यादा है, यानी कि डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज है पर जो प्राइस में चेंज है वो थोड़ा ही चेंज है। तो इस तरीके की डिमांड को हम बोलेंगे आपकी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड यानी कि वो चेंज हो रही है, प्राइस में चेंज आने के कारण वो चेंज हो रही है। और इन इलास्टिक डिमांड यानी कि इन इलास्टिक है, वो चेंज नहीं हो पा रही है। प्राइस चेंज भी हो रहा था तो वो चेंज नहीं हो पा रही थी, पर इलास्टिक डिमांड के केस में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा प्राइस चेंज हो रहा है तो वो चेंज हो रही है। और ये होता है आपके लग्जरीज गुड्स के केस में। लग्जरीज गुड्स के केस में क्या होता है कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज आता है तो लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा सा प्राइस इसका कम हो गया तो हम इसको जल्दी से ले लेते हैं, कहीं ये फिर महंगा ना हो जाए बाद में। ठीक है, तो लोग शान दिखाने के लिए वहाँ पर उसको ले लेते हैं कि महंगी चीज़ें सस्ती हो गई है तो एकदम से इसको ले लो। और इनके केस में जो आपका डिमांड कर्व होगा वो फ्लैटर जाएगा, जैसे कि हम देख सकते हैं इस ग्राफ में कि प्राइस आपका थोड़ा चेंज है, पी से पी वन फॉल हुआ है, बट क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज है क्यू से क्यू वन। तो इस शेप को हम बोलेंगे आपका फ्लैटर डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व का यहाँ पे शेप है वो है और यहाँ पे जो ईडी वैल्यू होगी इलास्टिक डिमांड के लिए वो होगी वन से ज़्यादा। वन के केस में क्या था, यूनिटरी इलास्टिक, और इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होगी, वन से ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, पर हाँ इन्फिनिटी से कम होगी, यानी कि अगर कोई भी नंबर आता है तो वो उसकी होगी इलास्टिक डिमांड, बट पॉजिटिव नंबर हो और वन से ज़्यादा हो। नेक्स्ट इन द लास्ट वन हम देखेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है वो समझते हैं अब। दिस अकर्स व्हेन देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमारी कब होगी, परफेक्टली मूवेबल डिमांड इसे हम कह सकते हैं, कब होगी वो, तो जब आपके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है बट आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में अपने आप चेंज आ रहा है, तो इस तरह की डिमांड को हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और ये एक तरह से इमेजिनरी सिचुएशन है जो कि अकर करती है आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। डिमांड करवाता है इसका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी कि आपके क्वांटिटी चेंज होती रहेगी बट प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा पी, क्वांटिटी आपकी क्यू टू क्यू वन और कम भी हो जाएगी क्वांटिटी, कभी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा भी हो जाएगी। और जो आपकी ईडी की वैल्यू इसमें होती है वो होती है इन्फिनिटी। तो इस तरह के केस में जो डिमांड होती है वो कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। तो आज हमने देखी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और देखा कि किस वैल्यू के केस में हम क्या बोलेंगे उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो पहला हमने देखा कि जब आपकी वैल्यू जीरो होगी तो उस केस में उस डिमांड को आप कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है डिमांड में, प्राइस में बहुत सारा चेंज आ रहा है, प्राइस कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वहाँ पर ईडी की वैल्यू जीरो होगी और ये आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगी। दूसरा केस हमने देखा था इनइलास्टिक डिमांड। तो इनइलास्टिक डिमांड के केस में आपकी जो वैल्यू होगी वो वन से कम होगी, यानी कि पॉइंट में आपकी वैल्यू आएगी और वन के बराबर, वन से कम कम जब आपकी वैल्यू आएगी, जीरो से ज़्यादा और वन से कम जब आपकी वैल्यू आएगी तो उसको हम कहेंगे इनइलास्टिक डिमांड कर्व। इसमें आपके प्राइस में ज़्यादा चेंज और डिमांड में कम चेंज होता है। नेक्स्ट हमने देखा यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड में आपकी वैल्यू जो होती है ईडी की वो वन होती है, इसमें आपका इक्वल चेंज आता है प्राइस और डिमांड दोनों में ही। नेक्स्ट हमने देखा इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड आपकी वो है जब आपके प्राइस में थोड़ा और डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है। इस केस में जो आपकी वैल्यू होगी ईडी की वो वन से ज़्यादा होगी और इन्फिनिटी से कम होगी। नेक्स्ट इन द लास्ट वन हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हम तब कहेंगे जब आपके प्राइस में किसी भी तरह का चेंज नहीं है पर डिमांड कभी भी फॉल हो जाती है और कभी भी राइज हो जाती है। इस केस में ईडी की वैल्यू आपकी क्या होती है, इन्फिनिटी। सो दैट वॉज ऑल फॉर सो आज के लिए इतना ही।
कल हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. इफ़ यू डू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.